बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आई विल बी स्टडिंग द टॉपिक द कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव ऑन पेज नंबर 156। हम जो है ये ग्रामर जो कर रहे हैं, हम बहुत ही सिंपलेस्ट तरीके से हम आपको कन्वे कर रहे हैं। जो अच्छे नॉलेज की पहचान होती है वो यही होती है कि आप किसी भी बात को, किसी भी चीज़ को, किसी भी कॉन्सेप्ट को कितने आराम से, कितने ईजी तरीके से आप बताते हैं कि अगला बंदा आराम से समझ जाता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे मकसद जो है कोई हाई फाई इंग्लिश यूज़ करना नहीं है। हमने आपको आपकी ज़ुबान में, आपके माइंड के मुताबिक, आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है उसके मुताबिक हमने आपको इंग्लिश को, इंग्लिश की ग्रामर को आसान से आसान बनाना है, ताकि आप इसको जब यूज़ करें तो आपको डिफरेंस का पता हो कि इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, डिफरेंट चीज़ों में आपस में क्या डिफरेंस है, कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, हमने आपकी इंग्लिश को, ग्रामर को इम्प्रूव करना है, बेहतर बनाना है, द बेस्ट बनाना है थ्रू एग्जांपल्स और आसान लैंग्वेज यूज़ करके, इजी लैंग्वेज यूज़ करके, अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज यूज़ करके। द कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव हम करते हैं, तो कह रहा है जी कि जो एडजेक्टिव्स जो होते हैं, जो इसमें सिफ्त जो होते हैं, वो किसी भी जो क्वालिटी, जो किसी भी चीज़ की जो क्वालिटी है ना, वो तीन तरीके से जो ना वो बताते हैं। इसमें पहला है द पॉजिटिव डिग्री, नंबर टू है द कंपैरेटिव डिग्री, और नंबर थ्री है द सुपरलेटिव डिग्री। ये तीन जो है ना डिग्रीज हैं, तीन जो है ना इसकी फॉर्म्स हैं, द पॉजिटिव डिग्री, द कंपैरेटिव डिग्री और द सुपरलेटिव डिग्री। अब ये कह लें कि एक जो क्वालिटी है किसी में, वो किसी से भी कंपेयर किए बगैर डायरेक्ट आप जब बताते हैं कि उसमें ये क्वालिटी है, ही इज़ बैड, ही इज़ रिच, ही इज़ ओल्ड, ही इज़ स्मॉल, ठीक है, तो वो जो है आप किसी से कंपेयर नहीं कर रहे, सिर्फ उसके बारे में बता रहे हैं, डायरेक्टली आप बता रहे हैं। ठीक है, द पॉजिटिव डिग्री शोज़ द क्वालिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट रेफरेंस टू एनी अदर। आप किसी से रिलेट नहीं कर रहे, सिर्फ सीधा उसके बारे में बता रहे हैं, तो क्या होगा, द पॉजिटिव डिग्री, ही इज़ अ रिच मैन। रिच जो है वो पॉजिटिव डिग्री है, आप किसी से कंपेयर नहीं कर रहे, बस उसके बारे में बता रहे कि वो रिच है। ही इज़ अ बैड मैन, ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। ठीक है, तो जो आप डायरेक्ट बता रहे हैं किसी के बारे में, किसी से कंपेयर किए बगैर, होगा पॉजिटिव डिग्री। फिर आता है कंपैरेटिव डिग्री, जब आप कंपेयर कर रहे हैं किसी और से। ठीक है, जब आप कंपेयर कर रहे हैं, कंपैरेटिव का मतलब है कि कंपेयर करना, कि वो उससे कितना अच्छा है, बुरा है, या उससे कितना अमीर है, ठीक है, या उससे कितना वो गंदा है। ठीक है, द कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री कंपेयर्स द डिग्री ऑफ द क्वालिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद द डिग्री ऑफ द सेम क्वालिटी ऑफ अनदर। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये था ना जैसे द पॉजिटिव डिग्री का क्या था, ही इज़ रिच मैन। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री का क्या था, ही इज़ अ रिच मैन। ठीक है, ये देखें जो पॉजिटिव है, ही इज़ अ रिच मैन, के डायरेक्टली आपने उसके बारे में बता दिया कि वो रिच है। ठीक है, अब कंपैरेटिव क्या होगा, ही इज रिचर देन हिज ब्रदर। हम उस जो है ना कंपेयर कर रहे हैं कि वो अपने भाई से ज़्यादा अमीर है, कंपेयर कर रहे हैं, इज रिच नहीं आएगा, ही इज रिचर देन, और देन आएगा, क्या आएगा, देन, कंपैरेटिव में क्या आता है, देन आता है, ही इज रिचर देन हिज ब्रदर। अगर हम कहेंगे ही इज़ अ स्मॉल मैन, ही इज स्मॉलर देन हिज ब्रदर। ठीक है, और जो तीसरी जो है सुपरलेटिव, जो सुपरलेटिव होती है वो सुप्रीम टाइप की होती है, सुप्रीम का मतलब है कि सबसे बढ़ के, उसका किसी से कंपैरिजन है ही नहीं, वो सबसे अमीर है, वो सबसे लंबा है, वो सबसे गरीब है, वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो ये है सुपर। ठीक है, ये ऐसा कंपैरिजन है कि वो सबसे टॉप पे पहुंच गया, सुपर। ठीक है,
The superlative degree shows the highest degree of the quality with reference to all other things of the same class. सबसे ज़्यादा आगे, सबसे अमीर, सबसे ज़्यादा खूबसूरत, ठीक है? तो ये क्या है? Highest degree, ठीक है? हम कहेंगे he is. अब इसमें दो चीज़ें हैं, दा भी लगता है, ये लाजमी रहता है. He is the richest man, ठीक है? तो यहाँ पे क्या आ गया? Richest, रिच, richer, richest. थर्ड फॉर्म, थर्ड जो है डिग्री आ गई. ये फर्स्ट डिग्री है रिच, सेकंड डिग्री है रिचर, और थर्ड है richest. He is the richest man, वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है? तो इसमें ये जो दी हुई हैं एग्जांपल्स, ये जो कंपैरेटिव है, he is richer than his brother, he is worse than his brother, he is more honest than his brother. More भी sometimes use होता है, he is more honest than his brother. तो उसमें than आता है, जब हम compare कर रहे होते हैं तो क्या आता है? Than. He is richer than his brother, he is worse than his brother, he is more honest than his brother. और superlative में क्या आता है? The add होता है शुरू में, और third degree होती है. He is the richest man in the family, he is the worst man in the family, he is the most honest man in the family, ठीक है? तो honest के साथ क्या आएगा? ये simple है, तो more honest और most honest, ठीक है? तो ये भी उसमें ऐड होते हैं. तो ये थी द पॉजिटिव डिग्री, द कंपैरेटिव डिग्री एंड द सुपरलेटिव डिग्री.